तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल होने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि काफी है ना कमाल का होने वाला है, क्योंकि वहां पर हमें देखने मिलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट नाइट 2, मतलब ड्राफ्ट भी हमें देखने मिलेगा। साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और भी काफी सारी चीजों को अनाउंस कर दिया कल के रॉ के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल होने वाली रॉ के बारे में, उसकी सारी चीजों के बारे में। साथ ही मैं आपको ड्राफ्ट के मतलब कल के जो पूल्स के ब्रैकेट है मतलब वो भी बताऊंगा, कितने सारे सुपरस्टार यहाँ पर फीचर किए जा रहे हैं नाइट 2 में। तो सारी चीजें होने वाली इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना, और जो भी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर ऐसी कुछ कमाल की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज की बात करें, जो कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल की रॉ के लिए अनाउंस कर दिया, तो वो हमें देखने मिलने वाला है एक डुअल ब्रांड बैटल रॉयल। तो ये बैटल रॉयल होने वाला है, और यहाँ पर ये बैटल रॉयल इसीलिए होने वाला है क्योंकि आगे चल के कौन चैलेंज करेगा आस्का को उनके रॉ वोमेन्स टाइटल के लिए, मतलब नंबर वन कंटेंडर के लिए बैटल रॉयल हमें देखने मिलने वाला है। और यहाँ पर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सुपरस्टार्स को रिवील नहीं कराए कि कौन कौन सी यहाँ पर फीमेल सुपरस्टार इस मतलब बैटल रॉयल में होने वाली हैं, लेकिन कह सकते हैं एक बैटल रॉयल हमें कल की रॉ में देखने मिलेगा, तो काफी अच्छी बात है। वैसे भी हम देख रहे हैं रॉक के अंदर अभी काफी सारी मतलब कमी वुमेन्स हैं, जो कि मतलब आस्का को कौन फेस करेगा, क्योंकि हमें ज्यादा कोई वुमेन देखने को मिल ही नहीं रही आस्का के सामने, अभी उनका कोई चैलेंजर नहीं है। तो कह सकते हैं यहाँ पर इस मतलब बैटल रॉयल से यहाँ पर हमें पता चलेगा आगे चल के शायद हेल इन अ सेल में कौन फेस करेगा आस्का को। तो इस बैटल रॉयल को देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहीं से आस्का का कह सकते हैं अगला चैलेंजर हमें रिवील होता हुआ नजर आएगा। अगली चीज की बात करें, जो कि एक मैच अनाउंस है वो हमें देखने मिलने वाला है केविन ओवेंस वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के बीच, जो कि होने वाला है एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से इनकी फ्यूड चली और काफ़ी हमने इनके मैचेस देखे जिनके कुछ मैचेस का रिजल्ट सही तरीके से निकल पाया नहीं है। लास्ट वीक के रॉ के एपिसोड में भी हमने देखा था एलिस्टर ब्लैक ने आके एक ब्लैक मास लगा दिया था केविन ओवेंस को, तो इनके बीच कल की रॉ में हमें एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने मिलेगा। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर नो डिस्क्वालिफिकेशन वाला काम होने वाला है, तो कह सकते हैं इस मैच में कोई भी आ सकता है। यहाँ पर जीत की बात करें तो मुझे लग रहा है इस मैच को मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, केविन ओवेंस भी जीत सकते हैं, एलिस्टर ब्लैक भी जीत सकते हैं, लेकिन नो डिस्क्वालिफिकेशन इस मैच को डाला गया है, तो क्या पता इस मैच के चलते ब्रेव हार्ट या फिर मैं कहूँ फील्ड भी हमें देखने मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने लास्ट वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा था थोड़ा बहुत एंगल, मतलब केविन ओवेंस का ऐसा लग रहा है उनकी फ्यूड हमें फील्ड के साथ भी देखने मिलेगी, मतलब दोनों तरफ ही केविन ओवेंस के पंगे चल रहे हैं, तो हो सकता है इस मैच के चलते किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट भी हमें देखने मिल जाए। बाकी का देखते हैं इस मैच के चलते क्या होता है और देखते हैं इस मैच को कौन जीता है। अगली चीज़ की बात करें, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यहाँ पर हमें देखने मिलने वाले हैं हमारे मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंग, और शायद वो लास्ट बारी हमें देखने मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा नाइट 1 में तो वो स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका कुछ मतलब फेयरवेल करके मतलब सेगमेंट अनाउंस कराया, जो कि हमें देखने मिलेगा। तो आखिरी विदाई होने वाली है मंडे नाइट मसाया की, आखिरी बार वो हमें रॉ के अंदर देखने मिलेंगे, आखिरी बार ही शायद हम उनको मंडे नाइट मसाया बोलेंगे, आगे चल के तो फ्राइडे नाइट पता नहीं क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है वो तो आगे चल के हमें पता चलेगा। बाकी सेथ रॉलिंग का ये सेगमेंट देखते हैं लास्ट बार रॉ के अंदर देखने मिलने वाले हैं, तो कल की रॉ में आके वो क्या करते हैं। एक और चीज़ की बात करें, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया रेट्रीब्यूशन के लीडर मुस्तफा अली यहाँ पर आके मतलब कुछ बोलने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स से। तो यहाँ पर मुस्तफा अली का लास्ट वीक हमने देखा था कि मतलब वो रेट्रीब्यूशन के लीडर निकल के आए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग चीज़ थी, जो कि मुस्तफा अली को कोई शायद एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। मतलब पहले ऐसे रूमर्स आ रहे थे जब वो हैकर वाली स्टोरी लाइन चल रही थी कि मुस्तफा अली वो हैकर हैं, लेकिन हैकर तो वो निकल के आए नहीं, यहाँ पर वो लीडर निकल के आ चुके हैं मुस्तफा अली के। मुझे तो काफ़ी है ना ये डिसीजन सही लग रहा है कि किसी नए सुपरस्टार को मौका दिया, ऐसे सुपरस्टार को मौका दिया जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, और बिल्कुल यहाँ पर रेट्रीब्यूशन के लीडर अगर वो निकल के आए तो काफ़ी अच्छी बात है। जिस तरीके से हमने देखा मुस्तफा अली के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में हाल फिलहाल कुछ अच्छा हुआ नहीं है, और रेट्रीब्यूशन वही काम कर रही है जिस तरीके से मतलब रेट्रीब्यूशन मतलब उन्हीं लोगों से यहाँ पर मतलब बदला ले रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई से बदला ले रही है कि मतलब आप दूसरे सुपरस्टार को मौका देते नहीं हो, मतलब कुछ नेपोटिज्म टाइप का यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चलता है, रेट्रीब्यूशन वाला ऐसा कुछ बताना चाह रही है। और यहाँ पर मुस्तफा अली ने इसको लेके मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं एक ट्वीट किया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने यहाँ पर लिखा था सम ड्रीम्स डायर सो अदर कैन लिव। यहाँ पर मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा है यही बताना चाह रहे हैं कि मतलब सम ड्रीम्स मतलब कुछ मर गए थे उनके, जो कि हैकर वाली स्टोरी लाइन मतलब बिल्कुल बताई जा रही थी। तो शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है रेट्रीब्यूशन वाला यहाँ पर मुस्तफा अली यही बता रहे हैं कि हैकर वाली स्टोरी लाइन तो चली गई, लेकिन यहाँ पर रेट्रीब्यूशन के लीडर वो निकल के आ चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही एक और ट्वीट उन्होंने करा था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे आस्क वाई वी आस्क वाई नॉट। तो यहाँ पर इन फोटोज़ में आप देख सकते हैं वही सारे लोग हमें देखने मिल रहे हैं जो कि रेट्रीब्यूशन के मेम्बर हैं, यानी कि मुस्तफा अली, सेन थॉन, मियाँ येम, और साथ ही हमारे डोमिनिक डायजक को भी, मतलब ये सारे सुपरस्टार हमें देखने मिले हैं। और आप इनकी हालत देख सकते हैं इस फोटो में, मतलब वही है कि मतलब इन सुपरस्टार को कुछ भी मतलब मौका दिया नहीं गया था, इनके साथ कितना गलत हुआ। तो यहाँ पर मुस्तफा अली यही बता रहे हैं कि मतलब अब शायद वो सबकी बैंड बजाने वाले हैं आगे चल के, तो कल की रॉ में देखना होगा मुस्तफा अली आके क्या बोलते हैं, मतलब पहली बार वो बोलेंगे, बताएंगे अपने बारे में, रेट्रीब्यूशन के बारे में कि क्यों वो लीडर निकल गया, मतलब जो भी है। इस सेगमेंट को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते हैं इस सेगमेंट के चलते हमें क्या देखने मिलता है। बाकी बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्राफ्ट की नाइट 2 के मतलब पूल के बारे में, कितने सारे सुपरस्टार यहाँ पर फीचर किए जा रहे हैं,
तो मैं आपको मतलब सुपरस्टार की लिस्ट यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर मतलब कल के ड्राफ्ट में हमें देखने को मिलने वाले हैं अंद्रादे, बेली, एलिस्टा ब्लैक, एलेक्सा ब्लिस, डैनियल बैन का भी नेम यहाँ पर फीचर है, WWE से बाहर चल रहे हैं लेकिन इस ड्राफ्ट में उनको रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। कार्मेला, किंग कॉर्विन, अपोलो क्रूज, निकी क्रॉस, डब्बा काटो, डॉल्फ ज़िगलर, रॉबर्ट रूड, एरिक जो कि वाइकिंग रेडर्स के मेंबर हैं, लेसी एवेंस, शार्लेट फेयर का भी यहाँ पर नेम है जो कि WWE से अभी बाहर हैं, रिटर्न शायद हमें देखने को मिल जाए। शार्लेट फेयर भी यहाँ पर फीचर की जा रही है, जेफ हार्डी, बिली के, लाना, कीथली, मेज एंड मॉर्सन जो कि मतलब ड्राफ्ट हो चुके हैं रॉ के अंदर लेकिन पहले ये पहले का पूल है जो कि मतलब इनको फीचर किया जा रहा था नाइट टू में लेकिन अब तो ये ड्राफ्ट हो चुके हैं। रिडिक मॉस, नटालिया, टाइटस ओनील, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, आर ट्रुथ और यहाँ पर रेट्रीब्यूशन को भी यहाँ पर डाला गया। अब रेट्रीब्यूशन को यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर डाला तो गया लेकिन मुझे यहाँ पर एक थोड़ी फनी सी चीज़ लग रही है कि रेट्रीब्यूशन को WWE ड्राफ्ट में डाल ली है कि मतलब खुद ही WWE शायद उनको इन्वाइट कर रही है, खुद ही मतलब एक ब्रांड में उनको डाल रही है कि आप आके इस ब्रांड की बैंड हो जाओ क्योंकि WWE मतलब रेट्रीब्यूशन जो है वो WWE की हालत ख़राब कर रही है, WWE को तोड़ फोड़ना चाह रही है और WWE ने उनको ड्राफ्ट के अंदर डाल दिया कि मतलब आके तुम मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड की बैंड बजा सकती हो कि तुम रॉ में जाओगी या स्मैकडाउन में वहां पर जाके तोड़फोड़ करना, तो यह काफी है ना मुझे कुछ अजीब सी बात लगी। बाकी और सुपरस्टार की बात करें तो यहां पर मैट रिडल है, राइट स्क्वाड है, पेटन रॉयस और एक NXT के सुपरस्टार भी हैं जो कि अर्तुरो रोस जो कि ये वाले सुपरस्टार हैं। सीमस भी हैं यहाँ पर, सिंसुके नाकामुरा और सिजारो हैं, स्ट्रीक प्रॉफिट्स हैं, ब्रॉन्स टोमन, टमीना, अकीरा टोजावा, जलीना वेगा, ब्रे वाइट, सैमी जेनो, साथ ही लार्स सुलिवन, तो इतने सारे सुपरस्टार हमें फीचर होते हैं दिखाई देंगे ड्राफ्ट नाइट टू में। आप देखते हैं इन सुपरस्टार में से कौन सा सुपरस्टार कहाँ जाता है, जो सुपरस्टार नहीं जाता कहीं भी वो तो फ्री एजेंट बन जाएगा, हम सबको पता ही है। बाकी अगर कमेंट करके आप लोग मुझे बताना आप कल की रॉ के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ड्राफ्ट के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है और जो भी आपकी अगर अभी भी कुछ प्रेडिक्शन है नाइट टू के लिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सुपरस्टार को कहाँ देखना चाहेंगे इन पूरे सुपरस्टार की लिस्ट में से प्रेडिक्शन हो तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं आना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार के, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।